तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेकर आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हज़रात नाज़रीन, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है और ज़िलहिज्जा के महीना शुरू होने पर हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या जो ज़िलहिज्जा के 9 दिन हैं जिसे अशराए ज़िलहिज्जा कहते हैं, अशरा तकलीबन कह देते हैं, नहीं तो 10वां दिन ईद का है, तो ये जो 9 दिन है इसमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं आपके सामने यही चीज लेकर हाजिर हुआ हूं। याद रखिएगा, एक रिवायत है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इज़ा दखल अल-अशर व अरादा बाज़ुकुम अन युज़हिया फला याखुज़न्न शिअरन वला युक़लिमन्न ज़ुफ़रन। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ और तिर्मिजी शरीफ की है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अशराए ज़िलहिज्जा शुरू हो और तुम में से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो, यानी उस पर कुर्बानी फर्ज हो, तो उसको चाहिए कि बाल और नाखून ना कटवाए। यानी अगर बाल और नाखून कटवाने हैं तो आप ज़िलहिज्जा के चांद नजर आने से पहले ही इन कामों से फारिग हो जाइए, और चांद नजर आने के बाद आप ना तो बाल कटवाइए और ना ही नाखून कटवाइए। इसकी दो वजहें हैं जो मना किया गया कि बाल और नाखून ना कटवाएं। पहली वजह तो यह है कि हुज्जाजे इकराम से मुशाबहत हो जाए, जो लोग हज पर गए हुए हैं वो लोग इन अय्याम में बाल और नाखून नहीं कटवाते, तो हमें भी चाहिए कि उनके मुशाबहत में और उनकी शक्ल इख्तियार करते हुए बाल और नाखून ना कटवाएं, ताकि अल्लाह तबारक व ताला जो रहमतें जो बरकतें उन हुज्जाजे इकराम को अता फरमाए उसका कुछ हिस्सा हमें भी दे दे। दूसरी वजह यह है कि जब बंदा कुर्बानी करता है तो कुर्बानी करने वाला अपने जिस्म के फिदिये के बदले कुर्बानी करता है, यानी कुर्बानी करने कुर्बानी का जानवर कुर्बानी करने वाले के जिस्म के हर जुज के बदले फिदिया है, तो ये हिस्सा कुर्बानी करते वक्त गायब ना हो, यानी बाल और नाखून इंसान के साथ रहें, जो नुज़ूल रहमत के वक्त ये महरूम ना हो और इन पर भी नुज़ूल रहमत। लेकिन याद रखिएगा, ये बाल और नाखून ना कटवाना ये मुस्तहब अमल है। अगर किसी को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तो उसके लिए बेहतर यह है कि बाल और नाखून कटवा ले। और दूसरी रिवायत में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, क्या का अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दिनों में से किसी दिन के अमल को इतनी फजीलत हासिल नहीं है जितना के अशराए ज़िलहिज्जा के अमल को फजीलत हासिल है। यानी बंदा इस अशरे में जितना अमल करेगा इसका इसकी बराबरी और इसके तकाबुल में कोई और अमल नहीं आ सकता। हजरत सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जिहाद भी, यानी दूसरे दिनों में जिहाद करना भी इन दिनों में अमल करने के बराबर नहीं हो सकता? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मगर वो जिहाद जो जान और माल को खतरे में डालकर किया गया हो, यानी जान और माल सब कुछ उल्टा दिया गया हो, वो जिहाद इससे अफजल हो सकता है। तीसरी रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की, ये तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, वो फरमाते हैं क्या का अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी दिन के अमल की फजीलत अशराए ज़िलहिज्जा के अमल के फजीलत
के बराबरी नहीं कर सकती। यानी और आगे फरमाया कि इस अशरे में हर दिन के रोजे का सवाब एक साल के रोजे के सवाब के बराबर मिलता है। हर दिन के रोजे का सवाब एक साल के रोजे के बराबर सवाब मिलता है, और रात की इबादत का सवाब शबे कदर की इबादत का सवाब मिलता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आशरे की कितनी फजीलत है। तो हमें चाहिए कि आशरे ज़िलहिज्जा शुरू होने के बाद हम खूब अमल करें, नवाफिल का एहतिमाम करें, तस्बीहात का एहतिमाम करें, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें, इसी तरीके से दुआओं का एहतिमाम करें। फ़क़त वस्सलाम।